मेरे प्यारे सज्जनों, आप सबका मेरे चैनल ओम एस्ट्रो चैनल में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसी मेडिकल पामिस्ट्री जो कि मेरे 40 इयर्स एक्सपीरियंस पर आधारित है। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपकी सनलाइन, फेम लाइन, सक्सेस लाइन पर बनने वाला मूल जो तिल हमें क्या इंडिकेट करता है। ये जो मैंने कोई भी रेखा जो सन माउंट की ओर जाती है उसे हम कहते हैं सन लाइन। ये सन माउंट है, सन माउंट, ये मैंने सन माउंट लाइन ड्रॉ किया। इसके ऊपर बनने वाला मूल या तिल क्या इंडिकेट करता है, हाउ हम जाने। यदि हम पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं इसके लिए हमें बेसिक समझना चाहिए। सन लाइन क्या इंडिकेट करती है? सन लाइन हमें फेम, अथॉरिटी, लीडरशिप क्वालिटी, इसके अलावा ये हमें हमारे हेल्थ को भी इंडिकेट करती है। सन इज आवर वाइटैलिटी, हमारी जठर अग्नि है, हमारा इम्यून सिस्टम विटैलिटी। जब भी सन लाइन में डॉट या तिल होगा तो ये हमें किस तरह की बीमारियां देगा ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें, जब भी हमें सन लाइन पर तिल होगा, हमें ऑटोम्यून डिजीज कौन सी हैं? वो आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस, सोरोसिस, एलर्जी, अर्टिकेरिया, इस तरह की बीमारियां आपको जरूर होंगी। आपको हेड से रिलेटिंग या ब्रेन से रिलेटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। यू आर वेरी प्रोन टू हैव हार्ट प्रॉब्लम्स, आपका डाइजेशन सिस्टम वीक रह सकता है, आपके जठर अग्नि कमजोर हो सकती है, आपको इरिटेबल बोल सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन रिलेटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, नर्वस सिस्टम, सेरिब्रल स्ट्रोक, यू मे हैव, आपको दुर्घटना के चांसेस बन सकते हैं, स्पेशली हेड इंजरी। सो यह बड़ा जरूरी है कि यह देखिए, जो साढ़े सूर्य रेखा या सन लाइन ते तिल बने दे ते तिल केड़ी बीमारियां सानू कर सकते। हूँ यह चीज है कि यही है तो किस तरह बच सकनी है। यह तो बचन का एक ही तरीका है, मेडिटेशंस ते भगवान शिव दी आराधना, भगवान शिव दी आराधना करिए, हरिओम नमः शिवाय दा जाप, चंगे काम करिए, अपने बुजुर्गों का खास करके अपने पिता का आशीर्वाद लेंदे रहिए। कहदे नाल काफी हद तक के जिहड़े है तुहानूं तेल तो छुटकारा मिल सकता है। मैं अपने 40 साल के तजर्बे नाल ये चीजें तुहानूं दस रही हाँ कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है जो मैं तुहानूं दस रही हाँ। जे तुसीं ये तेल देखते हो तो तुसीं जरूर ही प्राणायाम, मेडिटेशन, भगवान शिव की आराधना ते अपने पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो ते तुहानूं 101% इहदे नाल जिहड़ियां भी बीमारियां आनियां सीगियां उहदे तों छुटकारा मिलेगा। मैं आशा करना तुसीं सारे स्वस्थ रहो ते मेरे 40 साल के तजर्बे का फायदा लो ते एस्ट्रोलॉजी ते पामिस्ट्री सीखो कि किस तरह पामिस्ट्री साढ़े लिए रोजमर्रा च हेल्पफुल हो सकती है। अहीं इस तरह की पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी करिए जिहड़ी कि साढ़े दर्शकों लिए या साढ़े समाज लिए साडा फायदा कर सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।